दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी को बर्बाद करेगी आरोही। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी से आरोही बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही है। और जब से अक्षरा और अभिमन्यु ने अक्षरा के लिए आरोही को चैलेंज किया और उसे वार्न किया है कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, तब से तो आरोही बदला लेने के फिराक में है। और इसीलिए अब देखने को मिलेगा मंडप में हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब जानबूझकर आरोही मंडप में आग लगाते नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा काफ़ी खूबसूरत मंडप सजाया जाएगा अक्षरा और अभिमन्यु के लिए, लेकिन आरोही जानबूझकर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगाते नजर आएगी और यहाँ पर सभी के होश उड़ जाने वाले हैं। आरोही इस तरह से बदला लेगी जिसका अंदाजा भी किसने नहीं लगाया होगा। अभिमन्यु को उस पर शक भी होता है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सब अनिल भी उसे समझाने की कोशिश करता है और अक्षरा उसका हाथ थाम लेती है, क्योंकि आरोही ऐसा नहीं कर सकती, अक्षरा को ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर तमाशा तो हो ही जाएगा और देखने को मिलेगा कि हर्षवर्धन यही कहते नजर आएगा कि इन दोनों की शादी में अपशगुन हो गया और इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। और मंडप में भी एक बार ये शादी रुकते नजर आएगी, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा का हाथ थामे रहेगा और दूसरी तरफ एक मंडप लगाया जाएगा और उसी पर सीधे सिंपल तरीके से मंडप में शादी होगी। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आरोही ने सब कुछ किया होता है और ये खबर महिमा को और नील दोनों को लग जाती है। नील आरोही पर भड़कते हुए भी नजर आएगा और कहेगा कि शॉर्ट सर्किट ऐसे तो नहीं हो सकता है, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। और नील हमेशा की तरह उसी पर शक करते नजर आएगा, लेकिन आरोही उसी पर भड़क पड़ेगी और सभी घर वाले इस मामले को शांत करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली अक्षरा और अभिमन्यु की इतनी नौटंकी के बाद ही शादी होगी, लेकिन देखना होगा आरोही आगे क्या क्या इनकी जिंदगी में जहर घोलती है।